गुड मॉर्निंग, कैन यू हियर मी? कैन यू सी मी? गुड मॉर्निंग, क्या आप मुझे देख सकते हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आई होप आप मुझे देख पा रहे हैं। मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मुजम्मिल वानी, प्रतिभा पांडे, सविता रंजन, साक्षी किंग, ऑफिशियल उत्कर्ष, सूरज काले, प्रियंका सावन, कैसे चल रही है भैया तैयारी? ओके, स्टार्ट करते हैं। मैंने सुना तुम्हारा पेपर आ गया 2 दिन में। चलो चलो चलो, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, यू आर एबल टू सी मी? यू आर एबल टू हियर मी प्रॉपरली? हाय हाय लिखे जाते, जो पूछ रही हूँ वो नहीं बताओगे कि देख पा रहे हो, कि सुन पा रहे हो, कि दोनों कर पा रहे हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है ना। बस हेलो मैम, हाय मैम, गुड मॉर्निंग, लेट हो गई हो, अपनी दुनिया में रहते हैं बच्चे। चलो शुरू किया जाए आज की क्लास। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर मैंने यूट्यूब पे नहीं कराया है, तो बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर की वजह से परेशान हैं, है ना। जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप लोग जानोगे कि ये चैप्टर बहुत आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे साथ 2021 के लिए और 2022 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अनकैडमी प्लस पे। अनकैडमी प्लस पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, मेरा कॉम्प्लीट सिलेबस आपको वहाँ पे लाइव पढ़ने को मिलेगा। प्लस वन, प्लस टू, जुअलॉजी, बॉटनी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है। नीट यूजी की कैटेगरी में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। आपको 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको ऋतु कोड डालने के बाद 10% ऑफ होने के बाद 27,000 का पड़ेगा, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको ऋतु कोड डालने के बाद 32,000 का पड़ेगा। कोड डालना मत भूलिएगा, आपको इससे ऑफ मिलेगा, साथ में ही आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस मेरे को भी बहुत खुशी होगी यदि आप मेरा कोड डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पहला तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनकी डेफिनेशन, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, इन सब की डेफिनेशंस वगैरह हैं, थोड़ा बहुत मेजर करने के तरीके बताए गए हैं। इनमें से क्वेश्चन जनरली जनरली कम आता है, जिसमें से क्वेश्चन आता है वो है प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स या फाइटो हॉर्मोन्स, जिनमें से मेजॉरिटी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चैलेंज ये है, पढ़ा तो मैं आपको दूंगी, चैलेंज ये है कि प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स आपको लर्न करने हैं, तो इस क्लास में मैं लर्न कराने की आप लोगों को कोशिश करूंगी, ठीक है जी। आइए, ग्रोथ की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली बात तो ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स ग्रोथ करते हैं। क्या है ग्रोथ की डेफिनेशन, देखो, इट इज द इरिवर्सिबल, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इन इंडिविजुअल सेल, ठीक है। ग्रोथ है परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज, और हमेशा इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी। ये इंट्रिंसिक ये अपन ने किसी और चैप्टर में पढ़ा है, आई थिंक प्लस वन के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने। ग्रोथ एक्सट्रिंसिक भी होती है, जो बाहर से ग्रोथ होती है, जैसे एक सैंड ड्यून बाहर से उस पर रेत चिपकता जाता है तो वो बढ़ जाता है, या इंट्रिंसिक भी होती है, जैसे कि अंदर से, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंदर से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो होती है उसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक होती है वो और वो इरिवर्सिबल होती है। फिर आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यार अगर एक लकड़ी में पानी घुस जाए और वो लकड़ी फूल जाए तो वो भी तो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, तो क्या लकड़ी लिविंग ऑर्गेनिज्म है? बेटा इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो, लेकिन वो इरिवर्सिबल ग्रोथ नहीं है। वो लकड़ी सूख के उसका पानी फिर से निकल जाएगा, वो नॉर्मल साइज में आ जाएगी। सो इंट्रिंसिक और इरिवर्सिबल होना जरूरी है। इट इज एकम्पनीड बाय एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। ग्रोथ का पता चल गया। अब ग्रोथ ओपन या क्लोज्ड होती है, तो प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिलती है ओपन या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। देखो ये मुश्किल सेंटेंसेस नहीं है, आपको लगता है ये मुश्किल है परंतु ये मुश्किल नहीं है। ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ का मतलब ये होता है जिसमें आपकी बॉडी कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी जिंदगी में। जैसे कि प्लांट्स, कभी प्लांट की एक पर्टिकुलर हाइट तो नहीं होती, वो तो ग्रो करता रहता है, ठीक है। या फिर एनिमल्स में बात करें तो स्पॉन्जिस, कभी उनकी एक पर्टिकुलर नहीं होती, वो ग्रो करते रहते हैं।
लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी डिटर्मिनेट ग्रोथ है, क्लोज्ड ग्रोथ है। हमारी एक हाइट पढ़ने के बाद रुक जाती है, ये तो नहीं हम पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहेंगे, मतलब 80-90 साल का बंदा तो सबसे लंबा हो जाएगा फिर, है ना। तो प्लांट्स में ओपन या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, जिसका मतलब है सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द बॉडी बाय मेरिस्टम। प्लांट ग्रोथ इज ओपन और इनडिटर्मिनेट। प्लांट ग्रोथ किससे होती है, देखो अच्छा दो प्रकार की ग्रोथ होती है, ये अपन ने एनाटॉमी में पढ़ा है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसे डरने की जरूरत नहीं है। जो लेंथ की ग्रो होती है, लेंथ प्लांट की ग्रो होती है, वो एपिकल मेरिस्टम से ग्रो होती है, और जो रूट की लेंथ ग्रो होती है वो रूट एपिकल मेरिस्टम से ग्रो होती है। ये शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये रूट एपिकल मेरिस्टम है, पूरा लिख देती हूँ मैं, एपिकल मेरिस्टम है। तो बेटा अगर आपको कोई कहे प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ क्या है, तो बेटा हम कहेंगे जो लेंथ में ग्रोथ है ना वो प्राइमरी ग्रोथ है। तो एक तो आपकी प्राइमरी ग्रोथ है जो रूट और शूट एपिक्स से होती है, एक होती है आपकी सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ होती है एक नॉर्मल सा प्लांट मोटा हो गया, लंबा होने के बजाय मोटा हो गया। अगर लंबा हो रहा है तो वो प्राइमरी ग्रोथ है, लेकिन अगर वो मोटा हो गया तो वो सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ हमने एनाटॉमी में पढ़ी है किससे आती है, लेटरल मेरिस्टम्स से आती है, कॉज सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टम में यदि आपको याद हो क्या क्या, वैस्कुलर केम्बियम एंड कॉर्क केम्बियम। वैस्कुलर केम्बियम और कॉर्क केम्बियम दो लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं जिनसे ग्रोथ होती है। आगे चलें, ग्रोथ इज मेजरेबल। अगली बात एनसीईआरटी कहती है भैया ग्रोथ को हम कर सकते हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ मैंने बताया ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज इन साइज होता है, चाहे वो सेल का साइज हो चाहे वो ऑर्गन का साइज हो। इंट्रिंसिक होनी चाहिए ग्रोथ, इरिवर्सिबल होनी चाहिए ग्रोथ। प्लांट्स में ग्रोथ इंडिटर्मिनेट या ओपन होती है, मतलब हमेशा ग्रो करते रहते हैं। प्लांट की ग्रोथ, प्लांट या एनिमल किसी की भी ग्रोथ मेजरेबल होती है, आप मेजर कर सकते हो ग्रोथ को। अब आप किस तरीके से मेजर करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, आप वेट से मेजर कर सकते हो। पहले प्लांट 5 किलो का था, फिर वो 10 किलो का हो गया, फ्रेश या ड्राई वेट। ड्राई वेट क्या होता है, पूरा पानी निकाल दो फिर जो वेट होता है। लेंथ मेजर कर सकते हो, पहले प्लांट 1 मीटर का था अब वो 5 मीटर का हो गया। एरिया से मेजर करते हो, पहले लीफ का एरिया 20 cm² था अब वो 50 cm² हो गया। वॉल्यूम से मेजर कर सकते हो, सेल नंबर से मेजर कर सकते हो, कैसे भी आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, 2-3 एग्जांपल्स दिए, उसमें से एक मैंने लिया है। वन सेल ऑफ मेज रूट एपिकल मेरिस्टम गिव्स राइज टू 17,500 न्यू सेल्स इन एन आवर। तो यहाँ पे आप सेल नंबर से ग्रोथ निकाल रहे हो, इतना नया सेल आप में ऐड हो गया है, ठीक है। वैसे एक वाटरमेलन का भी था कि वाटरमेलन का एक सेल 3,50,000 times इंक्रीज हो जाता है अपने साइज में 1 घंटे के अंदर। तो वहाँ आप वॉल्यूम से ग्रोथ निकाल रहे हो। तो ग्रोथ निकालने के बड़े सारे तरीके हैं, ठीक है जी। फेजेस ऑफ ग्रोथ कौन कौन से होते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हो मॉर्फोलॉजी, ना तो एनाटॉमी में कहीं तो पढ़ चुके हो। मान लो ये आपकी रूट है, तो हमें याद है रूट में यहाँ पे मेरिस्टमेटिक वो होता है, जोन होती है। तो पहला फेज होता है मेरिस्टमेटिक फेज, फिर अगली जोन ऑफ इलोंगेशन होती है तो अगला होता है इलोंगेशन फेज, फिर अगली जोन ऑफ मैच्योरेशन होती है तो अगला होता है मैच्योरेशन फेज। ये 3 फेजेस हैं। मेरिस्टमेटिक फेज में क्या है, अपने को पता है सेल्स जो होते हैं राउंड होते हैं, अच्छा खासा इनमें साइटोप्लाज्म भरा होता है, न्यूक्लियस होता है, और सेल वॉल्स बहुत पतली होती हैं, सेलुलोज की पतली पतली सेल वॉल्स होती हैं, और एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन है। जब आप जोन ऑफ इलोंगेशन में जाओगे तो सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वैक्यूलेशन बढ़ जाएगी, वैक्यूल आ जाएंगे और नया सेल वॉल डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। जोन ऑफ मैच्योरेशन में साइज सबसे बड़ा हो जाता है सेल का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग सबसे थिक वॉल्स यहाँ पे बन जाएंगी जोन ऑफ मैच्योरेशन में, और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे कि मान लो एक ट्रैकीड सेल को मॉडिफाई होना है, ट्रैकीड याद है, जाइलम में मिलता है ट्रैकीड, तो ट्रैकीड इज अ डेड सेल, तो ट्रैकीड अपनी मैच्योरिटी पे बिल्कुल प्रोटोप्लाज्म खो देगा, है ना, थिक वॉल्स हो जाएंगी उसकी और प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल ही खो देगा ट्रैकीड, याद है, ऐसे 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 ट्रैकीड्स बनाते हैं। सो पूरी प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस हो जाएंगी, समझ में हो गया बेटा। अभी नहीं है मेरा हैप्पी बर्थडे, चला गया हैप्पी बर्थडे, पढ़ लो बेटा जी, आगे चलो। ग्रोथ रेट्स अपने को पढ़ने हैं, ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन आया था, इस बार एक बार आया था इस पे, सिग्मोइड कर्व पे क्वेश्चन आया था। कुछ नहीं है, सिंपल है, ऐसा मत सोचो कि नहीं आएगा। सुनो, ग्रोथ रेट क्या है भैया, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कितनी ग्रोथ हो रही है, इतना वॉल्यूम का इंक्रीज हो गया 1 घंटे में, इतने सेल्स का इंक्रीज हो गया 1 घंटे में या 1 मिनट में, पर यूनिट टाइम ग्रोथ को अगर हम मेजर करेंगे तो ग्रोथ रेट बन गया। ग्रोथ बेटा 2 प्रकार की है, उससे डरना नहीं है, जो फिगर है ना एनसीईआरटी में एक फिगर है उससे डरना नहीं है, बहुत सिंपल बात है वो। एक होती है अर्थमेटिक ग्रोथ, एक होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तुम डर जाते हो, है ना, ऐसा कुछ फिगर दिया हो एनसीईआरटी में,
ऐसे कुछ फिगर दिया हो, तुम सोचते हो बेटा ये क्या बन गया है, मैम ये तो बता दो क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है। सुनो, अर्थमेटिक ग्रोथ होती है बेटा, एक सेल है उसने दो सेल बनाए, ठीक है, अच्छा यहाँ पे बनाती हूँ, एक सेल है उसने दो सेल बनाए, ये एक सेल मैच्योर हो गया, अब सिर्फ इसने आगे ग्रोथ करी, इसने फिर से दो सेल बनाए, अब ये सेल मैच्योर हो गया, फिर इसने आगे ग्रोथ करी, फिर इसने दो सेल बनाए, समझ रहे हो, मतलब एक ही सेल ग्रोथ करता जा रहा है। अर्थमेटिक ग्रोथ ये है कि अगर एक सेल से दो सेल बन रहे हैं तो उनमें से एक सेल तो मैच्योर हो जाता है और सिर्फ एक ही सेल आगे ग्रोथ करता है। वन सेल कॉन्टिन्यूज टू डिवाइड वाइल अदर्स मैच्योर, तो ये तो थोड़ा स्लो मेथड है ग्रो करने का। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, एक सेल से दो सेल्स बने, फिर दो सेल्स ने आगे और दो सेल्स बना दिया, ऐसे समझ रहे हो, कोई भी मैच्योर नहीं हुआ, मैच्योर सेल तो डिवाइड नहीं कर पाता ना, फिर इसने आगे फिर दो बना दिए, 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 समझ रहे हो, तो कोई भी सेल मैच्योर नहीं हुआ। बेटा जी ध्यान से सुन लो, अगर ये चैप्टर अभी पढ़ के चले गए ना मेरे से तुम यहाँ पे, तो तुम्हारा नीट 2020 में ये चैप्टर बच जाएगा। अगर बकवास करोगे, आपस में बातें करोगे, ये सोचोगे नोट्स मैम देगी टेलीग्राम पे, मैं वहाँ से पढ़ लूँगा, तो याद नहीं होगा एक दो दिन में ये चैप्टर। मैं याद करा रही हूँ, बहुत सिंपल चैप्टर है, छोड़ के नहीं जाना है हम लोगों को, करके जाना है, ठीक है जी। आज प्लस पे भी है ये। अच्छा मैंने अब तुम्हारी क्लासेस 9 AM कर दी है तुम्हारे एग्ज़ाम तक, और उसके बाद भी 2021 का भी जो बैच चलेगा 9 AM पे रखूँगी यार, 7 AM थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो रहा है, मैं अपना मॉर्निंग रूटीन नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, मॉर्निंग में जो मुझे मेडिटेशन वगैरह करनी होती है, योगा वगैरह करना होता है, वो नहीं मैं कर पा रही हूँ, तो मैं 9 AM को क्लास रखूँगी अब से तुम्हारी, ठीक है, अब से सारी क्लासेस 9 AM को ही रहेंगी। सुनो, सो अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है क्योंकि एक सेल तो मैच्योर ही हो जाता है, एक सेल तो मैच्योर ही होता है और सिर्फ एक ही सेल है जो आगे ग्रो कर रहा है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कोई भी मैच्योर नहीं हो रहा, इससे दो बन रहे हैं फिर वो आगे ग्रोथ कर रहे हैं, सो ऑल प्रोजेनी सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, समझ गया। अर्थमेटिक ग्रोथ जनरली हम लेंथ को देखने के लिए निकालते हैं, लेंथ को देखने के लिए निकालते हैं, ठीक है जी। लेंथ को कैसे देखते हैं, अपन एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, ये लर्न करनी पड़ेगी इक्वेशन, और मुश्किल है नहीं ये, तुम फिजिक्स में इतनी इक्वेशन लर्न करते हो, मेरी बायोलॉजी में अगर दो इक्वेशन आ गई तो छोड़ दोगे तुम लोग, ऐसे नहीं करने दूंगी। सुनो, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, एल टी क्या है, मान लो एक घंटे बाद कितनी लेंथ है, टाइम टी बाद, एल नॉट क्या है, एक घंटे पहले कितनी लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी जब आपने देखी, ठीक है, प्लस आर टी, अर्थ क्या है, आर टी क्या है, ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, टी क्या है, टाइम। तो बेटा इसका जो अपना ग्राफ आता है ना, टाइम और हाइट का, हाइट है ये, एच ई आई जी एच टी, हाइट है ये, ठीक है, तो बेटा इसका आता है स्ट्रेट लाइन, ये लेंथ की हाइट है, लेंथ की हाइट है, ठीक है। अब देखो ऐसा ही तो होता है ना, अगर तुम शू टिपिकल मेरिस्टम में देखो तो जो मेरिस्टमेटिक सेल्स बने हैं उनसे जो आगे सेल्स बनते हैं वो तो मैच्योर हो जाते हैं ना, इलोंगेट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, तो मेरिस्टमेटिक सेल्स तो थोड़े से होते हैं, तो एक कॉन्टिन्यूसली, एक कॉन्टिन्यूस स्पीड से लेंथ बढ़ती रहती है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का इक्वेशन क्या रहेगा, डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी। अब देखो ये है क्या, दिस इज वेट या साइज आफ्टर 1 आवर या 1 डे, जितना भी आप टाइम ले रहे हो, दिस इज वेट या साइज बिफोर 1 डे जो आपने ओरिजिनल लिया था, ई इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, आर इज ग्रोथ रेट, टी इज टाइम। तो ये समझ रहे हो, जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट है ये आपके इनिशियल वेट पे भी यू नो मैटर कर रही है, इनिशियल वेट पे भी डिपेंड कर रही है, इनिशियल साइज पे भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि मान लो एक सेल से आपने ग्रो करना शुरू किया या 5 सेल से ग्रो शुरू किया तो फर्क है ना उस चीज़ में। अब इसका ग्रोथ हमेशा आता है सिग्मोइड ग्रोथ, ठीक है, ये टाइम है, ये साइज और वेट है, तो पहले लैग फेस आएगा, धीरे धीरे होएगा। देखो जब एक से शुरू करेंगे तो थोड़ा धीरे ग्रोथ रेट है, 2 सेल ही बन पा रहे हैं, लेकिन जब टाइम बढ़ता जाएगा तो 2 सेल से 4 सेल बन रहे हैं, ग्रोथ रेट बढ़ गया, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, और फिर बाद में प्लेटू फेज, क्योंकि न्यूट्रिशन वगैरह की कमी हो जाती है या बुढ़ापा आ जाता है, सेनेसेंस आ जाता है। क्वेश्चन क्या था, सिग्मोइड कर्व इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन नेचुरल कंडीशन। सिग्मोइड कर्व नेचुरल ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने का कर्व है, तो ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ फॉर ग्रोथ ऑफ नेचुरल ऑफ, दोबारा, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट। सो आंसर था सिग्मोइड कर्व, ठीक है जी, आगे चलो।
ग्रोथ रेट, अच्छा दो एक और तरीके से अपन देख सकते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट भी होता है और रिलेटिव ग्रोथ रेट भी होता है, जिसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं डरने के लिए। सुनो, मान लो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का लीफ था और वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ग्रोथ करके, तो तुमने देखा कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का गेन है। अब तुमने एक 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का लीफ लिया और वो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का गेन है। तो मुझे बताओ क्या दोनों का ग्रोथ रेट सेम है? क्या दोनों का ग्रोथ रेट सेम है? तुम कहोगे यार यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। तो बेटा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो इनका सेम है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है? आप देखते हो बस कितनी ग्रोथ हुई है, दोनों में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रोथ हुई है, तो ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। लेकिन अगर आप रिलेटिव ग्रोथ रेट लगाओ, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है कि पहले कितना ग्रो हुआ होता है, उसके बाद कितना ग्रो हुआ है। इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है? 100% है इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट। 5 से सीधा 10 हो गया, 100% इंक्रीज हो गया। और इसका ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं है, 50 से 55 हुआ है, तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ है। 5/50 कितना? 1/10, 10% ग्रोथ रेट है इसका। ऐसे निकालते ना ग्रोथ रेट, अपा जितना बड़ा है उसको इनिशियल से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10%। समझ रहे हो? तो रिलेटिव ग्रोथ रेट दोनों का अलग अलग है। एक का 100% ग्रोथ रेट है रिलेटिव, एक का सिर्फ 10% है ग्रोथ रेट रिलेटिव। सो रिलेटिव ग्रोथ रेट दोनों का अलग अलग है, लेकिन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है। ये वाली बात समझ में आई है? बोलो रे, जल्दी बोलो, बोलो रे। तू कर, हम लेंगे बेटा 2021 के लिए भी लेंगे, एक बार 2021 वालों 2020 वालों का एग्जाम होने जो। ओ जगत जर्मनी भगताप बरभणी, क्या है ये? हो गया ना? गुड गुड गुड, चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अपने को तीन टर्म समझनी है, अब अपने को तीन टर्म्स समझनी है, ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा है किस कितने टाइम के लिए मैं ये क्लास लेती हूँ। बेटा अराउंड 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म करने की मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि तुम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है ना कि तुम 1 घंटे से ज़्यादा दो एक चैप्टर को। और जो बच्चे नोट्स के लिए पूछ रहे हैं, जो बच्चे नोट्स के लिए पूछ रहे हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम एक ऐप है, ऐप स्टोर पर आपको मिल जाएगी, और उस पर लिंक डालिए @ritubiology, ये लिंक डालिए। वहाँ पर आपको मेरे जितने भी मैं हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर करा रही हूँ, ठीक है, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। और कोई भी बच्चा मुझे उनके लिए हैंड रिटन नोट्स के लिए नहीं कहेगा जो चैप्टर मैंने यूट्यूब पे नहीं कराए, क्योंकि वो मैंने बनाए ही नहीं है। समझ लो, अगर मेरे पास बने पड़े होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देती बेटा, पर मैंने वही बनाए हैं जो मैंने अभी यूट्यूब पे चैप्टर्स करा दिए हैं, ठीक है जी। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 2021 के लिए तैयारी करने के लिए आप ऋतु कोड यूज़ करेंगे और सब्सक्रिप्शन लेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है जी। साथ में अगर आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे 9877426811, ये मेरी हेल्पलाइन है, स्पेसिफिकली मेरी, ठीक है। तो आप इस पे कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरीज, मैम का कौन सा कोर्स चल रहा है, मैम ने कितना पढ़ा दिया है, कैसे ज्वाइन करना है, पेमेंट कैसे करनी है, कोई भी दिक्कत है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, अब अपने को तीन टर्म्स समझनी है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ही आसान टर्म है। एक मेरिस्टमैटिक सेल है, मेरिस्टमैटिक सेल है, उससे दो सेल्स बने हैं, एक तो मेरिस्टमैटिक ही रह गया, एक मैच्योर हो गया। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक मेरिस्टमैटिक रह गया, एक मैच्योर हो गया, तो बेटा डिफरेंशिएशन होता है मेरिस्टमैटिक सेल का आगे मल्टीप्लाई करके मैच्योर सेल बनाना। मैच्योर सेल में सेल डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है, नो सेल डिवीजन, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। मैच्योर होने को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। मैच्योरेशन ऑफ अ सेल, मैच्योरेशन ऑफ अ सेल लीडिंग टू लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, ध्यान देना, सारा जितना परमानेंट टिश्यू है सब डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। एनाटॉमी में तुम लोगों ने मेरे साथ पढ़ा होगा, पेरेनकाइमा डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, कोलेनकाइमा डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, सारा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है। फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम पूरा डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, फ्लोएम पूरा क्या कहते हैं डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, वो आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिर्फ मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं जो डिफरेंशिएटेड नहीं है, मेरिस्टमैटिक सेल्स को छोड़ के बाकी सब डिफरेंशिएटेड हैं, बाकी सब डिफरेंशिएटेड है, समझ गया। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? मैच्योर सेल यदि किसी सरकमस्टेंस में वापस मेरिस्टमैटिक हो जाए,
तो उसको डी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, जैसा कि होता भी है। जितना तुम्हारा लेटरल मेरिस्टम बनता है, जैसे कि कॉर्क केम्बियम, वो पूरा डी डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू से बना हुआ है, नॉर्मल पेरेन्काइमेटस टिश्यू से मेरिस्टम बन जाता है। डिफ्रेंशिएटेड सेल रिगेनिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड बिकमिंग मेरिस्टमेटिक अगेन। अब री डिफ्रेंशिएशन क्या है? री डिफ्रेंशिएशन है, मान लो ये कॉर्क केम्बियम है, कॉर्क केम्बियम का भयानक वाला नाम क्या है? फेलोजेन, याद है? एनाटॉमी से याद है, फेलम को जनरेट करने वाला फेलोजेन। अभी ये री डिफ्रेंशिएटेड, सॉरी ये डी डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है, पहले ये मैच्योर था, फिर ये दोबारा से मेरिस्टमेटिक बन गया। अब इससे जो सेल बने, जैसे कॉर्क बना इससे, ठीक है, और इधर इससे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना, याद है कुछ तो एनाटॉमी का याद होगा। ये सारे फिर से मैच्योर हो गए, ये फिर से मैच्योर हो गए। सो डी डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू से फिर से मैच्योर टिश्यू बनना री डिफ्रेंशिएशन है। सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स अगेन लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। समझ में आ गया? पहले होते हैं मेरिस्टमेटिक सेल्स, मेरिस्टमेटिक सेल जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं डिफ्रेंशिएटेड सेल, जब वो मैच्योर सेल दोबारा से मेरिस्टमेटिक बन जाए किसी कंडीशन में तो उसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएटेड सेल, जब वो दोबारा से मेरिस्टमेटिक बने हुए सेल्स फिर से सेल बनाते हैं आगे और वो मैच्योर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं री डिफ्रेंशिएटेड। जैसे कॉर्क इज अ री डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज अ री डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू। एम आई क्लियर? एनसीईआरटी में पढ़ लो, हाँ एनसीईआरटी में पढ़ लो, एक बार आ जाएगा। आ जाओ, डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ पता चल गया तुम्हें क्या था? ग्रोथ क्या था? इरिवर्सिबल इंट्रेंसिक ग्रोथ इन साइज इज ग्रोथ, राइट? साइज में बढ़ना, लेंथ में बढ़ना, है ना, वॉल्यूम में बढ़ना, सेल नंबर में बढ़ना, ये ग्रोथ है, इंट्रेंसिक और इरिवर्सिबल। डेवलपमेंट क्या बेटा? सारा चेंजेस, एक ऑर्गेनिज्म जब से पैदा हुआ है उसके मरने तक जितना चेंजेस है उसकी बॉडी में, सब डेवलपमेंट है। मतलब एक ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस। मतलब अगर प्लांट के केस में लगाएं, जैसे ही एक छोटू सा पौधा बना उससे जब तक ये मर नहीं गया पेड़ बन के, डेथ नहीं हो गई इसकी, तब तक सब कुछ डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट सिंपल है, जो मैंने आपको बताया वो ये देखो, मेरिस्टमेटिक सेल ले लो, मेरिस्टमेटिक सेल्स में प्लाज्मेटिक ग्रोथ करो। अब देखो बच्चे प्लाज्मेटिक ग्रोथ से डर जाते हैं, ये वो फिगर है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा फिगर है ये, सुनो। मेरिस्टमेटिक सेल्स में प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो गई, प्लाज्मेटिक ग्रोथ मतलब उसका प्लाज्मा इंक्रीज हो गया। अब दो चीज़ें हो सकती है, मेरिस्टमेटिक ग्रोथ में सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन में होगी, तो सेल डिवीजन होके इससे दोबारा से मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी बन सकता है, मेरिस्टम से नया मेरिस्टम भी तो बन सकता है, या फिर सेल डिवीजन होके डिफ्रेंशिएशन होने के बाद मैच्योर सेल भी बन सकता है। दो है, क्या बोला मैंने, मेरिस्टमेटिक सेल से या तो वापस मेरिस्टमेटिक टिश्यू बना लो पहली कंडीशन, या आप डिफ्रेंशिएशन करके मैच्योर सेल बना लो। प्लांट में दोनों ही होते हैं, वन भी होता है टू भी होता है। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आप क्या करते हो, सेल्स को एक्सपैंड करते हो, फिर सेल्स को मैच्योर करवा देते हो, ठीक है, मैच्योर सेल। फिर मैच्योर सेल जो है वो बूढ़ा हो जाता है धीरे धीरे, सेनेसेंस हो जाती है, फिर मैच्योर सेल की डेथ हो जाती है। यही साइकिल चलता रहता है बार बार, यही साइकिल चलता रहता है। फिगर समझ में आ गया? यू अंडरस्टैंड द फिगर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ये वाला डेवलपमेंट के ऊपर जो फिगर दिया हुआ है, राइट? बोलो, लास्ट पार्ट है इसका प्लास्टिसिटी, लास्ट टॉपिक है प्लास्टिसिटी, जो आप लोगों के दिमाग के ऊपर से निकल जाता है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ते हो। प्लास्टिसिटी होता है बेटा, प्लांट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रकार की ग्रोथ करता है, वो प्लास्टिसिटी है। डिफरेंट कंडीशन में इन्वायरमेंट की भी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। एक प्लांट को अगर एक कंडीशन में उगाओगे तो वो अलग ग्रो करेगा, अगर दूसरी इन्वायरमेंटल कंडीशन में उगाओगे तो वो अलग ग्रो करेगा। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस या डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट ग्रोथ करना, इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। बटरकप नाम का एक प्लांट है, वो उसकी कुछ लीव्स एयर में होती हैं, कुछ लीव्स वाटर में होती हैं। तो जो एयर में लीव्स होती है उनका शेप ऐसा होता है, जो वाटर में लीव्स होती है उनका शेप ऐसे होता है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोफिली। हेटेरोफिली मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स,
ठीक है, क्या क्या है एग्जाम्पल, बटर कप का। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जहाँ प्लांट्स डिफरेंट पाथवेज फॉलो कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट फेजेस इन देयर लाइफ, अलग अलग फेजेस पे अलग अलग बिहेव कैसे कर रहे हैं, ये भी हेटेरोफिली का एग्जाम्पल है। कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर में, इसमें जुविनाइल फेज में अलग प्रकार की लीव्स बनाते हैं और मेच्योर फेज में अलग प्रकार की लीव्स बनाते हैं प्लांट्स। मैम क्लास 12th का टाइम बता दो बेटा, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रही थी कि क्लास प्लस वन के लिए अलग और क्लास प्लस टू के लिए अलग पढ़ा रही हूँ, नहीं, जो मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लगते जा रहे थे नीट के लिए मैं वैसे पढ़ा रही थी, ठीक है। मुझे क्या कहते हैं, कुछ प्लस टू के भी मैंने चैप्टर्स कराए हैं, कुछ प्लस वन के चैप्टर्स कवर कर रही हूँ, ठीक है जी। प्लास्टिसिटी समझ में आ गया, प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लांट्स अलग तरीके से ग्रो करते हैं, या तो उनका इन्वायरमेंट अलग कर दो, तो एक ही प्लांट अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से ग्रो करेगा, या उसकी लाइफ का फेज अलग कर दो, अलग अलग फेज में वो अलग अलग तरीके से ग्रो करेगा। एग्जाम्पल है इसका हेटेरोफिली, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ। हेटेरोफिली में फर्दर दो एग्जाम्पल्स हैं आगे, अगर इन्वायरमेंट अलग है तो हेटेरोफिली होती है बटर कप में। बटर कप में पानी में अलग तरीके के लीव्स होते हैं और एयर में अलग तरीके से लीव्स होते हैं। अगर फेज की बात की तो हेटेरोफिली होती है कॉटन में, कोरिएंडर में और लार्कस्पर में। ये एग्जाम्पल थोड़ा लर्न कर लेना, मुझे भी याद नहीं है, नहीं तो मैं ये याद करा देती तुम लोगों को। इसमें क्या है, जुविनाइल फेज में अलग तरीके की लीव्स हैं और मैच्योर फेज में अलग तरीके की लीव्स हैं। अंडरस्टूड? यहाँ पे हाँ जी, 2021 के लिए मेरा फुल कोर्स मैं कराने की कोशिश करूंगी बेटा, प्लस वन और प्लस टू का। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं करती आप लोगों को, क्योंकि जब भी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं फंस जाती हूँ, तो तुम लोग मेरे एफर्ट्स देखने की बजाय तुम लोग ये इस तरीके से जज करते हो कि मैम ने तो इतना कहा था कराने के लिए और मैम ने तो बस इतना सा ही कराया है, तो फिर तुम मुझे देते हो गालियाँ। तो मैं अब कोई भी प्रॉमिस नहीं करने वाली तुम लोगों को, ठीक है, कि ये मैं पूरा करा दूंगी। मैं कोशिश करूंगी आपका प्लस वन और प्लस टू मैं 2021 के लिए पूरा कराऊं, ठीक है जी। आगे चल रहे हैं, दिस इज वन पार्ट ऑफ द चैप्टर कॉल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है जी। इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में प्लांट हॉर्मोन्स आते हैं, जिनको हम फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। साउंड प्रॉब्लम किस किस को आ रही है? इज देयर अ साउंड प्रॉब्लम? हॉर्मोन्स भी कहते हैं। साउंड प्रॉब्लम किस किस को आ रही है? बढ़िया यार, साउंड तो इज देयर अ साउंड प्रॉब्लम? तुम मुझे भटका रहे हो, धोखा दे रहे हो तुम। साउंड प्रॉब्लम किस किस को आ रही है? बढ़िया यार, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही मजे लेते रहते हो तुम लोग। अच्छा सुनो, मुझे पीना है पानी, ठीक है। फिर देखो, 9:30 तक हमने एक पहले ख़त्म कर दिया, 10:00 तक मैं दूसरा पार्ट भी ख़त्म करा दूंगी। मुझे पीना है पानी, तो मुझे एक मिनट का समय दो तो मैं पानी पी के आ जाती हूँ। एक मिनट का समय दो मुझे। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? सब सही है? चलो शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो आ रही है। अब सुनो, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स
केमिकल्स हैं जैसे अपने हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी में जो कि हमारी ग्रोथ को मैनेज करते हैं, ग्रोथ को मैनेज करते हैं, हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को मैनेज करते हैं हमारे हॉर्मोन्स, है ना। हमारी बॉडी में क्या कब हो रहा है हमारे हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं, वैसे ही प्लांट के हॉर्मोन्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि प्लांट की बॉडी में कब कैसे क्या होगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। जनरल सी कैटेगरी है ये, ये जनरली ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, और ये जनरली ग्रोथ को रोकते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो अब हमने इनकी स्टोरीज बनानी है ताकि हम इनको लर्न कर सकें। ऑक्सिन को हम याद करेंगे ऑक्स से, बैल नहीं होता बैल, कुछ ना कुछ तो तुम्हें स्टोरी बनानी पड़ेगी नहीं तो भूल जाओगे। ये ऑक्स है हमारा, यू नो, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ऑक्स से याद करेंगे ऑक्सिन को। जिब्रेलिन को हम याद करेंगे गब्बर से, जिब्रेलिन्स को हम याद करने की कोशिश करेंगे गब्बर से, या तो तुमने ओरिजिनल गब्बर वाली मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार वाली देखी होगी। साइटोकाइनिन को हम करेंगे काइट से, मैं तो काइट से करती हूँ, तुम किसी भी चीज़ से कर लो, आज ही बनाया मैंने काइट भी यार, पहले तो था ही नहीं। इथाइलिन को हम करेंगे ब्यूटीफुल गर्ल से, ये ब्यूटीफुल कन्फ्यूज्ड गर्ल है, कन्फ्यूज्ड गर्ल से करेंगे। और एब्सिसिक एसिड को हम करेंगे यू नो समझदार बूढ़े आदमी से, यू नो वाइज ओल्ड मैन से, ठीक है। अब हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। देखो ऑक्सिन को सबसे पहले, ऑक्सिन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया डार्विन एंड हिज सन्स ने, डार्विन और बेटा फ्रांसिस ने ऑब्जर्व किया कि कॉलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास ग्रो करते हैं लाइट की तरफ। अब तुम्हें थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेंगी यहाँ पे क्या होता है। देखो कॉलियोप्टाइल क्या होता है, जो रूट नहीं शूट एपिक्स है, शूट एपिक्स टिप है, ये टिप है, आगे बनाते हो थोड़ा सा, थोड़ी जगह है यहाँ पे, कहाँ बनाऊँ, यही बनाते हो। शूट एपिक्स के टॉप से ऑक्सिन रिलीज होता है बेटा, ऑक्सिन रिलीज होता है और ये इस साइड पे जाता है नीचे की साइड। मान लो यहां से रोशनी आ रही है, मान लो यहां से रोशनी आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, तो बेटा इस सेल्स के इस साइड के जो सेल्स हैं ना, जो लाइट से ऑपोजिट सेल्स हैं, वो लंबे हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और यहां वाले सेल रह जाते हैं छोटे। तो ये धीरे धीरे लाइट की तरफ मुड़ जाता है, ऐसे आपने देखा है प्लांट्स जो हैं वो लाइट की तरफ मुड़ जाते हैं। अगर आप एक अंधेरे कमरे में एक प्लांट को रखोगे, ठीक है, तो अगर आप एक साइड से लाइट मारोगे तो आपका पौधा उसी साइड मुड़ जाएगा। इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो बेटा ये होता किसकी वजह से है, ये होता है ऑक्सिन की वजह से। इसको ऑब्जर्व सबसे पहले किसने किया था, डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस ने ऑब्जर्व किया था इसको, फोटोट्रॉपिज्म को। और किसमें ऑब्जर्व किया था, कैनरी ग्रास में उसने ऑब्जर्व किया था। अब तुम कहोगे मैम कोलियोप्टाइल क्या, कोलियोप्टाइल कुछ नहीं है बेटा, शूट टिप के ऊपर कवरिंग है, ये शूट टिप है ना, शूट टिप के ऊपर कवरिंग है और कुछ नहीं है, ऐसे कोलियोप्टाइल, इट्स नथिंग एल्स, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऑक्सिन कहाँ से बनता है, हमें पता होना चाहिए शूट टिप से बनता है। फिर ऑक्सिन किस साइड पे सेल्स को ग्रो कराता है, बेटा जिस साइड से लाइट आ रही है उससे ऑपोजिट साइड पे जाएगा और सेल्स को ग्रो कराएगा। ऑपोजिट साइड पे अगर सेल को ग्रो कराएगा तो यहाँ से सेल ग्रो करते जाएंगे तभी तो मुड़ेगा ऐसे, यहाँ से सेल ऐसे ग्रो करते जाएंगे, सेल ग्रो करते जाएंगे तभी तो मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर जाके वो लाइट की तरफ मुड़ जाएगा। सबसे पहले ऑक्सिन को किसने आइसोलेट किया, एफ डब्ल्यू वेंट ने, ठीक है, एफ डब्ल्यू वेंट नाम का बंदा था। इसको हमने याद करना है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, मैं तुम्हें बता दूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक ऑक्सिन से ही आए हैं। इस चैप्टर का महानायक बाहुबली ऑक्सिन है, मेन इस फिल्म का जो लीड हीरो है वो ऑक्सिन है, ऑक्सिन से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी, मतलब मेजरली 70-80% टाइम्स ऑक्सिन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एफ डब्ल्यू वेंट ने इसको सबसे पहले आइसोलेट किया। इसने कैसे आइसोलेट किया, बड़ा इसने इंटरेस्टिंग तरीका निकाला, उसने ओट सीडलिंग्स लिए। अच्छा तुम्हें ये अवीना याद करना है, अवीना स्पीशीज है ओट सीडलिंग्स जो, अभी ओट जो है वो अवीना स्पीशीज है, ये अवीना वर्ड जरूर याद रखना, अवीना पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसने अवीना कर्वेचर टेस्ट भी सिखाया,
FW बेंड ने. अवीना करवेचर टेस्ट क्या है? एक नॉर्मल ओट सीडलिंग को ले लो, अवीना सीडलिंग को ले लो आप, ठीक है, अवीना प्लांट, अवीना प्लांट मतलब ओट प्लांट को ले लो, और इस पर लाइट आ रही तो वो मुड़ जाएगा. लेकिन अगर आप उसका टॉप पार्ट काट दो, अगर आप उसका टॉप पार्ट यहाँ से काट दो तो वो नहीं मुड़ेगा, क्योंकि टॉप पार्ट से तो ऑक्सीजन आ रही थी ना, तो टॉप पार्ट काट दो तो वो नहीं उगेगा. अब आप इसके टॉप पार्ट को, ये जो ये टिप है ना, इसको अगार जेल के ऊपर रख दो. आपने टिप को काट के अगार जेल के ऊपर रखा, तो टिप से सारा ऑक्सीजन जो है अगार जेल में आ गया, टिप से सारा ऑक्सीजन अगार जेल में आ गया. अगर अब ये अगार आप इस कटे हुए शूट के ऊपर रख दोगे तो ये शूट मुड़ जाएगा, ठीक है. तो पहली बात तो उसने ऑक्सीजन को आइसोलेट करना सिखाया हमें, कि आप ऑक्सीजन को अगार से आइसोलेट कर सकते हो. आप टिप को अगार के ऊपर रखो तो अगार सारा ऑक्सीजन उसे चूस लेगा. फिर उस अगार को यदि आप टिप पे, कटे हुए टिप पे, इस कटे हुए टिप पे आप यहाँ पे रख दोगे ना इस अगार को, तो अगार में तो ऑक्सीजन है, तो ये तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज कर देगा और फिर ये मुड़ जाएगा. ये अरवीना कर्वेचर टेस्ट है. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. इसको वट इज़ डीकैपिटेशन? डीकैपिटेशन होता है किसी का सिर काट देना. तो अगर आप किसी अच्छे भले शूट का सिर काट दोगे तो इसको डीकैपिटेशन कहते हैं. अवीना कर्वेचर टेस्ट आ गया, ये पता चल गया. अवीना अवीना जहाँ वर्ड आ गया दैट इज़ फॉर ऑक्सीजन. ये पता चल गया कि भैया FW वेंट ने ये चीज़ करी थी. गुड, चलो आगे बात करते हैं. फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है. ऑक्सीजन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ठीक है. हालांकि FW वेंट ने इसे किया था, लेकिन उससे भी पहले ह्यूमन यूरिन से ये आइसोलेट हो चुका था. तो बेटा ऑक्स ह्यूमन यूरिन से, इमेजिन करो एक ऑक्स ह्यूमन्स के यूरिन से निकल रहा है, तो कितनी अजीब बात है. भीगा भीगा सा ऑक्स ह्यूमन यूरिन में भीगा हुआ, ठीक है. अब ऑक्सीजन नेचुरल भी होते हैं, ऑक्सीजन सिंथेटिक भी होते हैं. नेचुरल ऑक्सीजन के सिंपल सिंपल नाम है इंडोल एसिटिक एसिड. ये आपको उनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए, आ सकते हैं. इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, सिंपल नाम है. ये सुशील लड़कियां हैं नेचुरल ऑक्सीजन. सिंथेटिक ऑक्सीजन के बहुत ही अजीब नाम है NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड. ये तो बहुत भयानक नाम है. और उससे भी भयानक नाम है 2,4-D, 2,4-dichloro. ये भी पता होना चाहिए आपको. फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यार मुझे तो याद है, तुम्हें भी याद करना पड़ेगा, ठीक है. टू, ये बच्चा पागल हो गया. मैम पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, पागल हो गया लड़का. ब्लॉक कर दूं? पढ़ नहीं रहा है, स्पैम कर रहा है, ठीक है जी. इसका एक्सटेंसिव यूज़ है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस में. देखो बेटा, दो हार्मोन्स का यूज़ आप लिख के रख लो, हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में है. एक तो ऑक्सीजन का, एक तो हमारा ऑक्स बहुत काम आता है एग्रीकल्चर में, ठीक है. ऑक्स तो आते ही हैं एग्रीकल्चर में काम, हल जोतने के काम आते हैं. और एक तुम्हारा इथाइलीन बहुत काम आता है. दोनों एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या क्या है अब सुनो. ऑक्सीजन की पहले बात कर लेते हैं. इट इनिशिएट्स, देखो बेटा ऑक्स एक ऑक्स है, एक ऑक्स है. वो अपने पैर से मार मार के शूट तोड़ देगा. मान लो यहाँ पे कोई प्लांट उगा हुआ है, ये प्लांट पे पैर मार मार के प्लांट की शूट तोड़ देगा. तो ऑक्सीजन कभी भी शूट प्रोडक्शन को इंकरेज नहीं करता, लेकिन ये रूट का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि रूट तो ज़मीन के नीचे है ना. हमेशा ये रूट प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है. ये लर्न करने का तरीका है, रट्टा मारने का तरीका है, कि ऑक्स हमेशा पैरों से शूट तोड़ देगा, तो हमेशा रूट्स ग्रो करती हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. इट इनिशिएट्स रूटिंग्स इन स्टेम कटिंग्स, ठीक है. एक इस पर इतनी बार क्वेश्चन आया है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है. पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कौन कराता है बेटा? इथाइलीन भी कराता है पाइनएप्पल में फ्लावरिंग, और ऑक्सीजन भी कराता है पाइनएप्पल में फ्लावरिंग. आपको ये याद करना पड़ेगा. इतना दिमाग खराब किया है इस क्वेश्चन ने, बार 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 ये क्वेश्चन आता है. तुम इमेजिन कर लो, एक इस ऑक्स के गले में एक पाइनएप्पल यहाँ पे लटका हुआ है, ऐसे ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है. सो पाइनएप्पल की फ्लावरिंग एक तो ऑक्स से होती है, एक इथाइलीन से होती है. एक तो सुंदर लड़की से, एक ये ऑक्स से होती है. Prevent fruit and leaf drop at early stages, but promote abscission in later stages. बूढ़े leaves मतलब ये ना justice वाला है, ठीक है, justice करता रहता है.
कि बूढ़े लीव्स और फ्रूट को तोड़ देता है लेकिन नए लीफ और फ्रूट को ड्रॉप होने से बचा लेता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एपिकल डोमिनेंस शो करता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एपिकल डोमिनेंस शो करता है। एपिकल डोमिनेंस ये होता है, सुन लो अभी फिर नहीं बताऊंगी, जब तक यहाँ पे एपिकल रूट एपेक्स, सॉरी शूट एपेक्स या शूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे टॉप वाला जब तक जिंदा है तब तक ये लेटरल बर्ड्स को ग्रो नहीं करने देता, समझ रहे हो, ये लेटरल बर्ड्स हैं इनको ग्रो नहीं करने देता, ब्रांचेस नहीं बनने देता, ये यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है टॉप वाला और इनको चुप करता रहता है, इनको साइलेंट करता रहता है, ये एपिकल डोमिनेंस है। अगर हम ये टॉप काट दें, मान लो मैं ऊपर वाला पार्ट काट दूँ तो ऑक्सीजन आनी बंद हो जाएगी। अब क्या है, ये जो यहाँ पे ये है ना, ये है जो, ये ग्रो होके नई ब्रांचेस शुरू कर देंगे बनाना, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को रिमूव करने में साइटोकाइनिन का बहुत बड़ा हाथ है, साइटोकाइनिन वो जो काइट है, काइनिन से मैंने काइट बनाया, ठीक है। तो ऑक्स की तानाशाही को रोकेगा साइटोकाइनिन, सो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करेगा ऑक्सिन और उसको रोकेगा साइटोकाइनिन। ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स इनहिबिट, एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। अगर आपके पास एपिकल बर्ड है तो वो लेटरल बर्ड्स को नहीं ग्रो करने देती, अगर आप एपिकल बर्ड काट दोगे तो लेटरल बर्ड्स ग्रो कर जाएंगी, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। तो आपको जैसे टी प्लांटेशन है या हेज मेकिंग है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा लीव्स चाहिए, आप वहाँ पे एपिकल बर्ड को रिमूव कर देते हो, तभी टी प्लांटेशंस ज़्यादा घनी हो पाती हैं, हेज मेकिंग में ज़्यादा लीव्स आ पाते हैं, ज़्यादा ब्रांचेस हो पाएंगी। पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है ये, पार्थिनोकार्पी समझते हो, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, याद है बनाना में पार्थिनोकार्पी होती है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है टोमेटोज में, तो वहाँ पे ये इंड्यूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, हर्बिसाइड है ये, 2,4-D इज़ अ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होता है, जो वीड्स को या फालतू की प्लांट्स को बंद करता है। तो बेटा ये क्या करता है, ये डाइकॉट वीड्स को मारता है सिर्फ, मोनोकॉट्स पे कोई असर नहीं है इसका, समझ रहा है, डाइकॉट वीड्स को। मान लो किसी ने लॉन बनानी है, यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन, लॉन तो मोनोकॉट है, ग्रासेस तो मोनोकॉट है, तो उसमें डाइकॉट वीड्स को मार देगा। देन अल्टीमेटली ऑक्सिन कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। ये रट्टा मार लो यार, ऑक्स खुद ही इतना जालिम है तो ये जाइलम डिफरेंशिएशन को तो सपोर्ट करेगा ही। आगे चले ना, गब्बर की बात है, जो जिब्रेलिन गब्बर्स, गब्बर को मजा आता है चीजें इलोंगेट करने में। गब्बर इज कॉल्ड द ग्रोथ हॉर्मोन ऑफ प्लांट्स। जैसे अपना ग्रोथ हार्मोन है ना अपने को ग्रो कराता है, वैसे गब्बर इज द ग्रोथ हार्मोन ऑफ प्लांट्स। इसको चीज़ें मज़ा आता है इलोंगेट करने में, इसको हर चीज़ इलोंगेट करने में मज़ा आता है। इसकी ज़िंदगी का मकसद है ये देखो, सेजल आप कहाँ से हो, ये देखो ये इश्क लड़ाने आए हुए हैं, है ना, चार दिन रह गए नीट में, सेजल रिप्लाई मत करना इसे, तुम्हारा भी नीट का पेपर खराब कराएगा ये। हाई ऑक्सिन, आयान चक्रवर्ती जो आपने क्वेश्चन भेजा है, हाई ऑक्सिन आंसर है उसका। लेटरल बर्ड्स किसकी वजह से डाउन रहती हैं, हाई ऑक्सिन की वजह से। सुनो, सब चीजें इलोंगेट कराएगा, इसको इलोंगेट करने में मजे आते हैं, हर चीज इलोंगेट कर दो, ठीक है। इट इज़ एंटागनिस्ट टू ABA, याद रखो ये दोनों एसिड्स में दुश्मनी है, जिब्रेलिक एसिड में और एब्सिसिक एसिड, दोनों एसिड्स एक दूसरे के एंटागनिस्टिक हैं, एसिड एसिड से याद रखो। इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटा, एक ना बकाने डिजीज थी, फुली सीडलिंग राइस की डिजीज थी। फुली सीडलिंग क्यों कहते थे, राइस का प्लांट इतना लंबा हो जाता था कि वो अपना वेट नहीं संभाल पाता था और नीचे गिर जाता था ऐसे, तो फार्मर्स कहते थे तू तो बहुत ही फूलिश है, खुद ही गिर गया नीचे ऐसे। फिर बाद में पता चला कि ये क्यों होता है, इसमें एक फंगस उग जाता है, जिब्रेला फ्यूजी कोराई, ये सारे जैपनीज नाम लगते हैं मुझे, ठीक है,
जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और ये इसको प्लांट से एक सब्सटेंस बनवाता है जिसे जिब्रेलिन कहते हैं, ठीक है, फंगस और प्लांट मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसे जिब्रेलिन कहते हैं। जिब्रेलिन की वजह से ये इलोंगेशन हो जाती है और उसकी वजह से वो सीडलिंग गिर जाता है। और इसने इसको रिपोर्ट किया था ई कुरुसावा ने, सब जैपनीज से नाम है, पता नहीं कहाँ से आए हैं, ई कुरुसावा ने। क्या क्या याद करना है? बकाने डिजीज़, जिब्रेला फ्यूजिकोराई याद करना है, एंड ई कुरुसावा याद रखना है अपने, ठीक है। 100 से अधिक जिब्रेलिन्स हैं, GA1, GA2, GA3, जिसमें GA3 जो है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था और सबसे एक्सटेंसिवली स्टडीड यही है। क्या करेगा ये? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स। लो जी, ग्रेप की स्टॉक्स को हम लगा देते ताकि ग्रेप स्टॉक लंबी हो जाए तो ग्रेप थोड़ा सा दूर दूर उगे तो ज़्यादा अच्छे से उग पाएंगे, है ना। एप्पल्स को इलोंगेट कर देगा तो एप्पल की शेप ब्यूटीफुल बना देगा तो ज़्यादा कॉस्टली आप बेच सकते हो एप्पल। डिले सेनेसेंस, बुढ़ापे को रोक देगा, इसको बुढ़ापे से नफरत है, ग्रोथ हार्मोन है ना, इसको बुढ़ापा क्यों अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि आप फ्रूट को ज़्यादा समय तक पेड़ पे ही रख सकते हो। मान लो आपको अभी कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा तो आप जिब्रेलिन छिड़क दो तो ये एप्पल बूढ़े नहीं होंगे, है ना। डिले सेनेसेंस हो जाएगा तो एप्पल पेड़ पे ही रह जाएंगे काफ़ी देर तक, समझ रहे हो। स्पीड अप माल्टिंग इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ये सीधा लर्न करो यार, ठीक है। माल्टिंग इन ब्रूइंग इंडस्ट्री को स्पीड अप कर देता है। शुगर केन स्टेम की लेंथ बढ़ा देता है तो हमारी यील्ड 20 टन्स पर एकड़ तक इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और सुनो, ये थोड़ी अजीब सी बात है, स्प्रेइंग ऑन जुविनाइल कॉनिफर्स हैसन्स मैच्योरिटी लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। अभी तुम कह रहे हो कि वो फ्रूट को पकने से रोक देता है ना, डिले सेनेसेंस। अभी तुम कह रहे हो कि वो जुविनाइल कॉनिफर्स को बड़ा होने में हेल्प करता है, तो आप ऐसे याद करेंगे, जो बच्चा है, बेबी है, उसको भी मैच्योर होने में ये हेल्प कर रहा है। बाकी जो बुढ़ापे में जा रहा है उसको बूढ़ा नहीं होने दे रहा, उसको भी वापस मैच्योरिटी की तरफ लेके आ रहा है। मतलब वो चाहता है जवान रहे, बेसिकली हर कोई जवान रहे, ना कोई बच्चा रहना चाहिए ना कोई बूढ़ा रहना चाहिए। हम ऐसे याद कर सकते हैं, बेबी कॉनिफर प्लांट्स हैं, बेबी कॉनिफर प्लांट्स हैं, उनको जल्दी मैच्योर करा देगा। एप्पल है पेड़ के ऊपर लटके हुए, वो बूढ़े ना हो जाए, उनको इस कंडीशन में लेके आएगा, ठीक है। इट प्रमोट्स बोल्टिंग, बेटा ये भी थोड़ा याद रखना। बोल्टिंग क्या होता है? फ्लावरिंग से जस्ट पहले जो शूट एपिकल मेरिस्टम है ना, जिस पे फ्लावर उगेगा, वो एकदम से लंबी हो जाती है। इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग हो जाएगा। आगे चलो, साइटोकाइनिन को हमने पतंग से याद किया, मुझे नहीं पता तुम कैसे याद करते हो, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, किसी और तरीके से भी याद कर सकते हो। मिलर एंड स्कूग ने सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था काइनेटिन को। काइनेटिन इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन। देखो, साइटोकाइनिन के बड़े प्रकार हैं, जैसे काइनेटिन हो गया, जैसे जियाटिन हो गया, तो ये सारे साइटोकाइनिन से मिलर एंड स्कूग ने क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा ये आइसक्रीम का स्कूप है, आइसक्रीम का स्कूप है, ठीक है। काइनेटिन को डिस्कवर किया था, अ साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग सब्सटेंस। देखो, इसको साइटोकाइनेसिस कराने में बहुत मजा आता है, दैट मींस सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन इसका फेवरेट काम है, ठीक है। हर जगह सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, लीफ ग्रोथ, शूट फॉर्मेशन में इसको बहुत मजा आता है। जैसे सुनो, ध्यान से सुन लो, रूट फॉर्मेशन में जैसे ऑक्सिन को मजा आता है ना, वैसे शूट फॉर्मेशन में साइटोकाइनिन को मजा आता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई कैलस है, कैलस समझते हो ना, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू है, और तुम्हें उससे पूरा प्लांट बनाना है, तो सिर्फ ऑक्सिन से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ साइटोकाइनिन से भी काम नहीं चलेगा। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशियो डालनी पड़ेगी, ऑक्सिन से रूट निकलेगा, साइटोकाइनिन से शूट निकलेगा, ठीक है। काइनेटिन इज मॉडिफाइड एडिनिन, बेटा जी ये मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेस है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। डिस्कवर कहाँ पे होता है सबसे पहले? एक हेरिंग, एक मछली है, उसका स्पर्म ले लो, उसके डीएनए से निकला था ये सबसे पहले। क्रिस्टलाइज कहाँ से हुआ था? मिलर एंड स्कूब ने किया था, ठीक है। काइनेटिन नेचुरली नहीं मिलता प्लांट्स में, कहाँ स्पर्म के डीएनए में मिल रहा है यार, प्लांट्स में थोड़े मिलता है। नेचुरली अकरिंग जियाटिन है, कहाँ पे मिलता है? कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क में। सिंथेसाइज्ड इन, अच्छा कहाँ पे बनता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सुनो, जैसे
ऑक्सिन शूट टिप पे बनता है, ऑक्सिन शूट टिप पे बनता था। वैसे साइटोकाइनिन कहाँ बनेगा? जहाँ पे भी बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवीजन हो रही है वहाँ हर जगह बनेगा, जैसे कि रूट एपेक्स पे भी बनेगा, शूट बड्स में भी बनेगा, ये यंग फ्रूट्स में भी बनेगा, कोई भी छोटी चीज़ है और वो बड़ी हो रही है, रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है तो वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि रैपिड सेल डिवीजन के लिए तो ये चाहिए ना हमें। इट प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स, शूट बनाएगा तो न्यू लीव्स तो बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट, लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, तो शूट 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 शूट, समझ रहा है? एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये मदद करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। इथाइलिन आ जाओ, बड़ा कन्फ्यूज्ड है यार ये इथाइलिन, कन्फ्यूज्ड ब्यूटीफुल गर्ल, इथाइलिन लड़की का नाम लगता है ना, इट इज़ द ओनली गैशियस हार्मोन। ये इतना इजी था इसको ढूंढना यार, गैस तो किसी को भी दिख जाती है ना, तो कजन्स ने मिलके ढूंढ लिया, तुम्हारे जो घर में कजन्स है ना तुम्हारे, उन्होंने ही ढूंढ लिया होगा। कजन्स कन्फर्म द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपन्ड ऑरेंजेस दैट हेजन द राइपनिंग ऑफ बनानास। देखो इसके दो ही काम है, या तो ये सेनेसेंस लाती है, ये सुंदर लड़की बुढ़ापा लाती है, खुद तो है सुंदर, दूसरों में लाती है बुढ़ापा, या ये फ्रूट को पकाती है, फ्रूट राइपनिंग, इसे देख के अच्छे अच्छे फ्रूट पक जाते हैं, इतनी सुंदर है ये, ठीक है। सिंथेसाइज्ड, तो यहाँ मैंने देखा कि राइपन्ड ऑरेंजेस से जो इथाइलिन निकल रही है उसने बनानास को भी राइपन कर दिया, इथाइलिन निकली होगी तो बनानास को राइपनिंग कर दी होगी, ठीक है। सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस, बुढ़ापे वाले टिश्यूज बहुत ज़्यादा इसे रिलीज करते हैं और पकते हुए फ्रूट्स बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं। तभी आपने देखा कभी पपीता घर में लाए होगे, मान लो कच्चा पपीता आ गया है, कच्चा आम आ गया, तो घर वाले उसे लपेट के रख देते हैं न्यूज़पेपर में, क्यों? कहते पक जाएगा। कैसे पक जाएगा? क्योंकि पकता हुआ फ्रूट इथाइलिन प्रोड्यूस करता है जो कि उसके पकने को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है इसका। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है? सुना, मान लो सीड जर्मिनेशन हुई है यहाँ पे, पहले तो ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन हो गई यहाँ पे, मान लो यहाँ पे एक स्टोन आ गया, तो अब ये क्या करेगा? ट्रिपल रिस्पॉन्स होएगा यहाँ पे। पहले तो ये जो एपिकल, ये जो निकल रहा है शूट एपिक्स निकल रहा है, ये थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ताकि ये इस उससे लड़ाई कर सके, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस। फिर ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा ऐसे, साइड से जगह बनाएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, फिर ये ऐसे हुक बनाएगा और ये फिर से सीधा हो जाएगा, एपिकल हुक फॉर्मेशन। फिर मान लो यहाँ पे और भी, मान लो यहाँ पे फिर से पत्थर आ गया, फिर से दोबारा इलॉन्ग थिकनिंग ऑफ एक्सिस, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हुक फॉर्मेशन, इस तरीके से ये बाहर निकल आएगा। ये सब इथाइलिन की वजह से होता है। महेंद्र सिंह क्या हो गया बेटा, इतनी साइकोपंथी क्लास में, ये बच्चा सदमे में आ गया है कि नीट ज़्यादा पास है मैम, क्यों ना मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही जस्टिस मांग लूं, नीट में तो कुछ ना हो पाएगा, है ना। यार प्लांट हार्मोन्स एनिमल में क्यों मिलेंगे अभिजीत, यार कैसी बात कर रहा है यार तू, सुबह सुबह मजाक शुरू हो गया। प्लांट हार्मोन प्लांट में मिलेंगे ना, एनिमल्स के हार्मोन एनिमल्स में मिलेंगे। एक काम कर महेंद्र सिंह, तू चल बाद में बताऊंगी, पहले पढ़ाने दे, बकवास नहीं, आओ अपर कर लेंगे इसको, अपा समअप कर लेंगे, रुको पहले पढ़ लो। प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सेशन इन प्लांट ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक करता है। रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक क्या होता है भैया? रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होना जाना जब फ्रूट्स राइपन हो रहे हो, फ्रूट्स के पकने से रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स का ये मत समझना कि प्लांट्स ऐसे करने लगते हैं, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स में ये नहीं होता। रेट ऑफ रेस्पिरेशन है ग्लूकोज का यूजेज बढ़ जाना, ठीक है। इट ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, ये सीड और बड की डोरमेंसी को खत्म कर देता है। इनिशिएट जर्मिनेशन, इसको जर्मिनेट कराने में बहुत मजा आता है। पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, ठीक है, सबको स्प्राउट करने में मजा आता है। रैपिड, यार ये तो बहुत ही बकवास है ना, रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस, बताओ अभी हमने इंटरनोड इलोंगेशन करी है उसमें जिब्रेलिक एसिड में, फिर यहाँ पे बकवास,
राइस प्लांट में कह रहा है रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन है, पर इस पर क्वेश्चन नहीं आया कभी। रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन, इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रनाइजेशन इन पाइनएप्पल, भैया याद रख लो पाइनएप्पल पे आते हैं क्वेश्चन, इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, ठीक है। फ्लावरिंग कराने का इसको शौक है, बालों में अपने फ्लावर लगा लेती होगी सुंदर लड़की। इसका सोल्यूशन होता है एक्वस सोल्यूशन एथिपॉन, ये भी याद कर लेना भैया, क्वेश्चन आ जाता है एथिपॉन क्या होता है, एथिपॉन क्या करता है। इसका एक्वस सोल्यूशन होता है हम प्लांट्स के ऊपर छिड़क देते हैं, तो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को तोड़ने में हेल्प कर देता है, और फीमेल फ्लावर्स को इंक्रीज कर देता है क्यूकम्बर में, तो क्यूकम्बर की यील्ड बढ़ जाती है, ठीक है। मैं अभी तुम लोगों को इसको सम अप करा दूंगी, चिंता मत करो, लास्ट पढ़ लो। एब्सेसिक एसिड, ये कुछ भी गलत नहीं कर रहा, ये बहुत बढ़िया बंदा है, स्ट्रेस हार्मोन है ये प्लांट्स का। प्लांट्स में जब भी स्ट्रेस आता है उन्हें कोप अप करने में ये मदद करता है, ये कहता है कि लाओ मैं हेल्प करूँगा। जैसे कि अच्छा, अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किसी ने इनहिबिटर बी किया, किसी ने एब्सेसिन टू किया, किसी ने डॉर्मिन किया, बाद में पता चला वो सारे के सारे एब्सेसिक एसिड ही थे। एब्सेशन एंड डॉर्मेंसी में इसका बहुत बड़ा रोल है, सीड डॉर्मेंसी बना के रखता है ये। देखो सीड है ना यार, मान लो तुमने सीड को पानी दे दिया, तुमने इसे सॉयल दे दी, सब कुछ दे दिया, फिर भी ये सीड नहीं उग रहा, तो हम कहते हैं सीड डॉर्मेंट है। तुम इस सीड को गालियाँ देते हो, है ना, कि मैंने तुझे सब कुछ दिया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, है मैं तुझे सब कुछ दे रहा हूँ तू उग क्यों नहीं रहा। तो ये प्लांट कहता है यार मैं डॉर्मेंट हूँ, तू समझा कर मेरी बात को। तो तुम पूछते हो व्हाई यू आर डॉर्मिनेंट, व्हाई आर यू डॉर्मेंट, तुम उग क्यों नहीं रहे। तो ये कह रहा है देखो मेरी कुछ मजबूरी है, मुझे पता है, मान लो कि अभी विंटर आने वाली है आगे, अगर मैं अभी उग गया तो मैं विंटर में मर जाऊँगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड चाहिए, उसके बाद ही मैं ग्रो करूँगा, ताकि मेरे को स्प्रिंग सीजन में ग्रो करने का मौका मिले। तो प्लांट्स कैसे नखरे होते हैं, कई बार उनके सीड्स डॉर्मेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं ग्रो करूँगा, कभी कभी वो ठंडे टेम्परेचर से ग्रो करने लगते हैं, कभी कभी वो किसी और कंडीशन से ग्रो करने लगते हैं। सो डॉर्मेंसी का मेन रीज़न होता है ए बी ए। सीड्स के अंदर 100 टाइम्स तक ज़्यादा ए बी ए होता है नॉर्मल प्लांट पार्ट्स में। कुछ सीड्स बहुत बारिशों के बाद ही ग्रो करते हैं, तो वो बारिशों की वजह से इनका ए बी ए धुल जाता है, ए बी ए बाहर निकल जाता है, फिर ये ग्रो करते हैं। तो सीड डॉर्मेंसी जो है, ए वर्नलाइजेशन कुछ और होता है रे अयान चक्रवर्ती, गलत बोल रहा है। वर्नलाइजेशन फ्लावरिंग के लिए बेटा, ठंड, जब प्लांट्स को ठंड चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं रे, क्यों कंफ्यूज हो रहा है। डॉर्मेंसी मीनिंग बता दो मैडम, डॉर्मेंसी होता है बेटा सीड उग नहीं पाता जब, उसे डॉर्मेंसी कहते हैं। ठीक है सुनो, तो सीड डॉर्मेंसी में इसका बहुत तगड़ा रोल है। इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। देखो ये तब रिलीज होता है, यार मेरी बात सुनो, जब प्लांट के ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है, मान लो प्लांट में वाटर स्ट्रेस हो गया, क्या हो गया वाटर स्ट्रेस, तो यार पानी की कमी की वजह से स्टोमेटा बंद होना चाहिए तभी प्लांट बच पाएगा, तो ये स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा यार, ये एब्सेसिक एसिड की वजह से होगा, समझ रहा है। तो प्लांट पे जब भी मुसीबत आती है तब ये रिलीज होता है, ताकि प्लांट कोप अप कर पाए। सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी में इसका बहुत बड़ा रोल है। रिफ्रेश कर लेते हैं, आओ रिफ्रेश कर, रिफ्रेश नहीं सॉरी रिवाइज कर लेते हैं। यार ने ही लूट लिया घर यार का, मुझे पता है इनके फंक्शंस में कभी कभी कंफ्यूजन होती है, मुझे भी हो जाती है, कोई नहीं, लर्न करो लर्न करो। सुनो क्या हो गया, लैग क्यों आ रहा है, लैग आ रहा है क्या, अभी भी लैग ने बहुत परेशान करी है जिंदगी यार। अभी सही है, आवाज सही आ रही है अभी। एक बात बताओ, तुम लोग मेरी वीडियो लाइक काहे नहीं करते हो, है इतना बच्चा अभी इस वीडियो पे 10,000 बच्चा पढ़ के जाएगा, लेकिन लाइक आएगा सिर्फ 2,000 बच्चा, क्यों 10,000 बच्चा पढ़ के जा रहा है, तो 10,000 बच्चे को लाइक नहीं करना चाहिए, बकवास करते हो तुम लोग, पहले वीडियो लाइक करो मेरी, ये गलत है। अच्छा चलो आओ आओ, चलो रिवाइज करते हैं।
ऑक्सिन की बात करते हैं, ऑक्सिन ऑक्स पे आ जाओ। सबसे पहले इसको रूट बनाने में बहुत मजे आते हैं, है ना, और पाइनएप्पल के फ्लावर निकालने में मजे आते हैं। पाइनएप्पल के फ्लावर तो इथाइलिन और इसको दोनों को निकालने में मजे आते हैं। फिर ये ज़्यादा जस्टिस बनता है ना, ये फ्रूट और लीफ ड्रॉप जब छोटे छोटे होते हैं, फ्रूट और लीफ तो उनको टूटने से बचाता है, लेकिन लेटर स्टेजेस में ये उनकी एब्सिशन भी करा देता है, एपिकल डोमिनेंस को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। पार्थिनोकार्पी ये कराता है, हर्बिसाइड ये है, ठीक है, हो गया रिविजन। जिब्रालिक एसिड पे आओ, सब कुछ इलोंगेट करा देंगे, सब पवित्र कर देंगे, है ना। ग्रेप की स्टॉक्स को इलोंगेट ये कराता है, एप्पल को ये इलोंगेट कराता है। डिले सेनेसेंस, बुढ़ापा नहीं चाहिए ना, जवानी चाहिए, हर चीज़ में जवानी चाहिए, ठीक है। सिनेसेंस को ये रोकता है ताकि फ्रूट्स का ट्री पे ज़्यादा टाइम तक लटके रह सकें। माल्टिंग ये इंक्रीज करा देता है, ब्रूइंग, ब्रूइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग ये कराता है, बोल्टिंग ये कराता है, माल्टिंग बोल्टिंग दोनों ये कराता है। माल्टिंग मुझे नहीं पता क्या होता है, बोल्टिंग पता क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेशन फ्लावरिंग से पहले, ठीक है। शुगर केन की स्टेम को ये लंबा करा देता है। आगे आ जाओ, साइटोकाइनिन आ जाओ। साइटोकाइनिन क्या करता है, इसको शूट बनाने में बहुत मजे आते हैं, शूट 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 बनाने में बहुत मजे आते हैं। शूट एडवेंचर, एडवेंटिशियस शूट बना लो, शूट के और चीज़ें बना लो, लीव्स बनवा लो, क्लोरोप्लास्ट बनवा लो, सब बना देगा, ठीक है जी। कहाँ से बनता है, रैपिडली ग्रोइंग एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन हो रही हो, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट, सब जगह मिल जाएगा। एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा नहीं देता है, डिले सेनेसेंस कर देता है, ठीक है। साइटोकाइनिन आसान है। इथाइलिन है हाईली कन्फ्यूज्ड औरत, तो कजन्स ने डिस्कवर करी थी। ये कहती है मैं बुढ़ापा भी कराऊंगी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी कराऊंगी, ट्रिपल रिस्पॉन्स भी कराऊंगी। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है, थिकनिंग ऑफ एक्सिस, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एपिकल हुक फॉर्मेशन, ठीक है जी। और फिर कहती मैं और बकवास भी करूंगी, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक भी करवाऊंगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक तो चलो ठीक है, जब क्या कहते हैं जब फ्रूट जब राइपन हो रहे होते हैं, जब फ्रूट राइपन हो रहे होते हैं तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। सीड, और इसको सीड जर्मिनेट कराने में बहुत मजा आता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती है, रूट फॉर्मेशन में और रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करती है, बड डोरमेंसी को तोड़ती है, सीड डोरमेंसी को तोड़ती है, ठीक है। पीनट्स के सीड्स को जर्मिनेट कराती है। अब ये तो मैं तुम्हें लर्न ही नहीं कराऊंगी, इलोंगेशन ऑफ पिटियोल वाला बकवास है ये, ठीक है। इनिशिएट फ्लावरिंग पाइनएप्पल में, भैया पाइनएप्पल और मैंगो में फ्लावरिंग कराती है, इवन क्यूकम्बर में भी फ्लावरिंग कराती है। फ्लावरिंग का तो इसे बहुत शौक है, अपने इस लंबे लंबे सुंदर बालों में फ्लावर लगाने के लिए हर जगह फ्लावरिंग करा देती है ये। क्यूकम्बर में फ्लावरिंग, मैंगो में फ्लावरिंग, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग। एथेपॉन इसका एक्व सोल्यूशन होता है, ठीक है जी, फ्रूट वगैरह राइपन करने का काम आता है। एब्सेसिक एसिड में आ जाओ, ये सिर्फ स्ट्रेस में होता है, जब स्ट्रेस में आता है तो स्टोमेटा क्लोज कर सकता है ये सीड जर्मिनेशन को रोक सकता है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को रोक देता है ये, ठीक है जी, हो गया। अब बस लास्ट के टॉपिक आ जाओ यार, क्लास खत्म करते हैं, लास्ट के टॉपिक आ जाओ, फिर तुम्हें थोड़े से क्वेश्चन करा देते हैं। लाओ फोटोपीरियडिज्म क्या है, सुनो ध्यान से, सिंपल सी बात है, फ्लावरिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए। कुछ प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए सनलाइट चाहिए कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, कुछ प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए ठंड चाहिए, ठीक है। तो फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन उसी से रिलेटेड है, ठीक है। फोटोपीरियडिज्म क्या होता है, प्लांट्स रिक्वायर पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए। तो आपके पास दो प्रकार के प्लांट हैं, लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, इनका एक क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है, कितना भी हो सकता है, 10 घंटे भी हो सकता है, 20 घंटे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, इनका एक क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है, उससे ऊपर ऊपर की सनलाइट चाहिए होती है इनको, तभी इनमें फ्लावरिंग होगी। शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, इनका भी एक क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है, ये कहता है इससे ज़्यादा नहीं मुझे मिलनी चाहिए, इससे कम कम मिलेगी तो मैं फ्लावरिंग करूंगा। और ये क्रिटिकल फोटो पीरियड हर एक प्लांट का अलग होता है बेटा, हर एक प्लांट का अलग होता है, ठीक है जी। लॉन्ग डे प्लांट्स क्या हैं, रिक्वायर एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, एक्सीडिंग, मान लो 10 घंटे है तो मुझे 10 घंटे से ज़्यादा ज़्यादा की लाइट चाहिए। शॉर्ट डे क्या है, रिक्वायर एक्सपोजर टू लाइट फॉर लेस देन द डिफाइंड क्रिटिकल पीरियड, मान लो इसका 12 घंटे है, सपोज 12 घंटे है डिफाइंड पीरियड, तो 12 घंटे से कम कम की लाइट चाहिए, अगर 12 घंटे ज़्यादा की मिलगी तो नहीं करूँगा मैं फ्लावरिंग, मिल गया। लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स हो गया। अच्छा, एक डे न्यूट्रल प्लांट्स भी होता है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट से, नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट एंड फ्लावरिंग, भाड़ में जाओ, हम नहीं, हम तो ऐसे ही फ्लावरिंग करेंगे, कोई फर्क नहीं है हमें लाइट से, डे न्यूट्रल प्लांट। वर्नलाइजेशन क्या है यार, जब प्लांट्स को ठंड की जरूरत पड़े
फ्लावरिंग करने के लिए, तो उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं. सम प्लांट्स रिक्वायर एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर. अब ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, कितना यू नो समय के लिए लो टेम्परेचर चाहिए. क्वालिटेटिव भी हो सकता है, कितना लो टेम्परेचर चाहिए. कोई कह रहा है मैं 0 डिग्री पे करूँगा ही नहीं, जब तक -10 नहीं हो जाएगा तब तक नहीं करूँगा. समझ रहा है? सो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एक्सपोजर टू कोल्ड फॉर फ्लावरिंग. ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल हैं. बायनल प्लांट्स, बायनल प्लांट्स होते हैं जो 2 साल जीते हैं. तो वो क्या करते हैं, 2 साल जीते हैं. पहले साल तो वो फ्लावरिंग नहीं करते, फिर यहाँ पे विंटर आ जाती है. समझ रहे हैं? पहले साल तो बस ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग नहीं करते, फिर यहाँ पे विंटर आ जाती है. विंटर से ये अगले सीजन में यहाँ पे फ्लावरिंग कर देते हैं ऐसे, और फिर यहाँ पे डेथ हो जाती है. 2 साल जीने वाले प्लांट्स को बायनल प्लांट्स कहते हैं. तो सेकेंड सीजन में फ्लावरिंग करते हैं विंटर के बाद. ठीक है, देन विंटर वेराइटीज ऑफ व्हीट, बार्ले एंड राई, ये वेराइटीज है जो विंटर में ही उगती हैं. विंटर ठंड होने के बाद ही ये अपनी फ्लावरिंग करती हैं. सीड डोरमेंसी, सुन लो, कभी कभी सीड जर्मिनेट नहीं करते, जैसे मैंने बताया था कि एक्सटर्नल कंडीशन सही भी हो जाते हैं. ठीक है, अब ये क्यों होता है? 2-3 रीजन हैं. या तो आपका हार्ड सीड कोट है इसलिए नहीं जर्मिनेट कर रहे आप. ठीक है, या आपके अंदर प्रेजेंट हैं केमिकल्स, सीड के अंदर मतलब प्रेजेंट हैं केमिकल्स जैसे कि ABA, जैसे कि फिनोलिक एसिड, जैसे कि पैरा एस्कॉर्बिक एसिड. तो अगर हमें सीड को जर्मिनेट कराना है, उसकी डोरमेंसी को तोड़ना है, तो अब हम क्या करेंगे? बड़े सारे तरीके कर सकते हैं. आप सीड कोट को तोड़ सकते हैं बाय मैकेनिकल एब्रेशंस. आप उसको सैंड पेपर से रगड़ दो, नाइफ से काट दो, तब सीड जर्मिनेट हो सकता है. अब देखो यार, नेचर में सीड जर्मिनेट होना आसान है क्योंकि नेचर में माइक्रोब्स कर देते हैं उसका सीड कोट तोड़ देते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियली कोई सीड उगा रहे हो थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको नाइफ वगैरह से उसका सीड कोट तोड़ना पड़ सकता है. या आप चिल कर दो सीड्स को, ठंडा कर दो, तो ये केमिकल्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं. या आप जिब्रेलिक एसिड डाल दो. ठीक है, जिब्रेलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना सीड के अंदर, इनकी मोबिलाइजेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स को लगाता है सीड को तोड़ के इससे प्लांट बनाने में. ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड डाल दो या नाइट्रेट डाल दो या लाइट और टेम्परेचर चेंज करके देख लो. चलो क्वेश्चन करें. हो गया भाई चैप्टर. अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. हाँ, ट्रांसपोर्टेशन करा दूंगी निदा फातिमा, ट्रांसपोर्टेशन करा दूंगी तुम्हारे, नीट से पहले करा दूंगी तुम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन. चले लाओ क्वेश्चन करो, 2019 का क्वेश्चन करो. अच्छा, एक चीज़ रहेगी. सॉरी, फोटोपीरियडिज्म में सनलाइट को परसीव कौन करता है यार? फोटोपीरियडिज्म में सनलाइट को परसीव कौन करता है? बेटा लीव्स परसीव करते हैं. साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इज लीव्स. ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन आ चुका है पहले. चलो अब करो क्वेश्चन. इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स. विच कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट्स? लाओ बेटा बताओ. तुम में से कुछ जो है किसान भी तो बनेंगे ना आगे जाके, तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए नीट डाल देता है कि लाओ. चलो कोई बात नहीं, बताओ. 2021 के लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके नीट यूजी सेक्शन पे जाके, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके आप 1 ईयर 12 मंथ्स वाला या 24 मंथ्स वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं नीट की तैयारी करने के लिए. 2021 या 2022 की ऋतु कोड को ज्वाइन करते हुए, ऋतु कोड को डालते हुए, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि हो सकता है. साथ में ही आपको मेरी क्लासेस से जुड़ने का मौका मिलेगा, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे. और यदि आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं मेरी हेल्पलाइन पे. ये रही मेरी हेल्पलाइन. यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे लिखिए ऋतु बायोलॉजी. ऋतु बायोलॉजी डाल के ही आप मेरे ग्रुप में पहुँच जाएंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसका PDF डाल दूँगी. बेटा अभी बताया था किसको शौक है पाइनएप्पल पे करने का फ्लावरिंग, ऑक्सिनोरिथाइलिन. ए कौन लिख रहा है? पिटेगा. ऑक्सिनोरिथाइलिन. ठीक है जी. देन What is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering in plants? ये बात कर रहा है photoperiodism का. Photoperiodism के लिए जो आपने exposure to sunlight करी है उसको perceive कौन करेगा? अभी मैंने बताया था, मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को.
उसको परसीव कौन करेगा? लीव्स करेंगे उसको परसीव. अभी बात था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेरे बच्चों. चलो आगे. फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ. फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ. अब देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि तुम्हें लगता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप कौन रोकता है, लेकिन याद करो अर्ली स्टेजेस पे कौन रोकता है. याद करो कौन था जो अर्ली स्टेजेस पे रोकता था लेकिन लेट स्टेजेस पे इनको तोड़ देता था, लेट स्टेजेस पे इनको इंक्रीज भी कर देता था ड्रॉप को. कौन था जो जस्टिस प्रोवाइड कर रहा था? कौन था रसोड़े में? कौन था बताओ? ए कौन इथाइलिन बोल रहा है रे? इथाइलिन तो एब्सिशन कर. याद करो अपन ने ऑक्सिन में नहीं पढ़ा था? ऑक्सिन में अपन ने क्या पढ़ा था? ऑक्स ज़्यादा ही जस्टिस वाला बन रहा था. ऑक्स जो था हमारा ज़्यादा जस्टिस कर रहा था. छोटे छोटे फ्रूट और लीफ को ड्रॉप नहीं होने दे रहा था, अर्ली स्टेजेस पे ड्रॉप नहीं होने दे रहा था, और बूढ़े फ्रूट और लीफ को तोड़ रहा था. याद है? चलो. यू आर गिवन अ टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफ्रेंसिएशन इन अ आर्टिफिशियल कल्चर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स वुड यू ऐड टू द मीडियम टू सिक्योर शूट एज वेल एज रूट? बताओ तो. शूट और रूट बनाने के लिए कौन से हॉर्मोन डालोगे? शूट के लिए साइटोकाइनिन और रूट के लिए ऑक्सिन. याद नहीं तुमको? याद नहीं तुमको है मेरे बच्चों? कौन याद करेगा बताओ? एक बार रिवाइज कर लेना, अभी ये दे दूंगी मैं. ठीक है आगे चलो. अच्छा 11 AM प्लस पे क्लास है, प्लस पे भी क्लास है इसी चैप्टर की, तो वहाँ पे भी पढ़ लेंगे ये चैप्टर. आओ. फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं? फाइटोक्रोम इज अ बोलो. ये हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया था. बोलो. वैसे ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं भी दिया तो भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. फाइटो मीन्स कलर. सॉरी अब फाइटो मीन्स प्लांट एंड क्रोम मीन्स कलर. तो आपको देख के ही पता चल रहा है इट इज अ क्रोमो प्रोटीन, कलर्ड प्रोटीन है ये. ठीक है जी, इस तरीके से आपने निकाल लिया. ये देखो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया. द अवीना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायो एसे ऑफ. अवीना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायो एसे ऑफ. हाँ भेज दूंगी नोट्स पक्का भेज दूंगी. द अवीना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायो एसे ऑफ. अरे अभी तो बताया है ओट सीडलिंग्स, ओट को बोलते हैं ना अवीना, तो ओट के सीडलिंग्स वाला जो हमने टेस्ट ऐसे किया था वो किसके लिए किया था बोलो रे? कौन है वो? बोलो 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 कौन है वो? आई ए के लिए किया था. दिस इज द ओनली ऑक्सिन हियर. ये भी ऑक्सिन नहीं है, ये भी ऑक्सिन नहीं है, ये भी ऑक्सिन नहीं है. आगे चले. ऑक्सिन कैन बी बायो एसिड. देखो कितना बार क्वेश्चन आया है यार ये. 2015 में भी यही सेम क्वेश्चन है. ऑक्सिन कैन बी बायो एसिड. भाई बताओ कौन बायो एसे कराता है ऑक्सिन का? फिर से सेम क्वेश्चन. अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर. तो इसमें तो हम टाइम नहीं देंगे तुम्हें करने का क्योंकि तुम्हें पता है ऑलरेडी. चलो नेक्स्ट. व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू लाइट ओनली ऑन वन साइड टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रोज? बताओ तो. 2015 का क्वेश्चन है. कौन है वो? बोलो 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 कौन है वो? ट्रांसपोर्ट मुस्कान कराने की कोशिश करती हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स कराने की कोशिश करती हूँ. क्यों मुड़ जाते हैं प्लांट्स एक साइड पे जब उन्हें एक ही साइड से लाइट मिलती है? तो लाइट स्टिमुलेट्स प्लांट सेल्स ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर. नहीं, इस साइड तो ग्रो नहीं फास्ट होते, इससे ऑपोजिट साइड पे सेल्स ग्रो हो जाते हैं फास्ट ऑक्सिन की दया से, है ना.
ऑक्सिन एक्युमुलेट्स ऑन द शेडेड एरिया, स्टिमुलेट्स द ग्रेटेड सेल इलॉन्गेशन. ये आंसर आना चाहिए. ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स सीक लाइट बिकॉज देयर फोटोट्रॉपिक. क्लियर? ऑक्सिन शेडेड पोर्शन में चला जाता है ना, इधर चला जाता है ऑक्सिन और यहाँ सेल इलॉन्गेशन करा देता है, बताया था मैंने. नाइन्थ, टिपिकल ग्रोथ कर्व ऑफ प्लांट्स, बताया था मैंने 2015 में. टिपिकल ग्रोथ कर्व क्या है बोलो? ऐसे है स्टेयर केस. ये कोई ग्रोथ कर्व है क्या? या ऐसे है, या ऐसे है, या ऐसे है, कौन सा है? बताया था सिग्मोइड. फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लूँ? अच्छा यार, अगर देखो बात ये है सुमैया, अगर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लूँगी तो कोई एक चैप्टर रह जाएगा. मैं टेस्ट इसलिए नहीं ले रही क्योंकि टेस्ट तो सारे टीचर्स ले रहे हैं. तुम यूट्यूब पे जितना टीचर की क्लासेस खोलो, सब टेस्ट ले रहा है, सब एक्सपर्ट हैं कि इतने क्वेश्चन कर लो तो पक्का ही आ जाएंगे नीट में. 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भैया, ऐसे तो कितने भी बना लो. ऐसे तो मैं बना दूँ 1,00,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो ऐसे बनाने से कुछ नहीं होता, ठीक है? इसलिए मैं टेस्ट नहीं ले रही हूँ. तो टेस्ट तो बहुत टीचर्स ले रहे हैं, तो उनसे दे दो टेस्ट. मैं एक आधा चैप्टर और कंप्लीट कर दूंगी. डॉक्टर एफ वेंट नोटेड दैट इफ कोलियोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अगार फॉर 1 hour, द अगार वुड प्रोड्यूस अ बेंडिंग इफेक्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ फ्रेशली कट कोलियोप्टाइल. ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इज दिस एक्सपेरिमेंट बोलो? बोलो रे, इस एक्सपेरिमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? थोड़ा दिमाग लगाओ, बकवास नहीं. देखो मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ, लास्ट मिनट टिप. नीट उन बच्चों का क्लियर होगा जो कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे. सिर्फ रट्टा मारने से नीट नहीं क्लियर होता. अगर कॉमन सेंस नहीं यूज़ करोगे तो नहीं होगा. सोचो क्या इसकी सिग्निफिकेंस थी. इट मोर मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन. ये हो सकता है. इट इज़ द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस. इट सपोर्ट्स हाइपोथेसिस दैट आई इज ऑक्सिन. इट डेमोस्ट्रेट्स पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन. आई थिंक इसका ए होना चाहिए. इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन का ही तो एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन हुआ था और आइसोलेशन हुआ था ऐसे. अ फ्यू नॉर्मल सीडलिंग्स ऑफ टोमेटो वर केप्ट इन डार्क रूम. आफ्टर अ फ्यू डेज दे वर फाउंड टू बिकम वाइट कलर. इसे क्या बोलते हैं? जब डार्क में रह के कोई चीज़ वाइट हो जाती है, जब डार्क में रह के कोई चीज़ वाइट हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं बोलना? डार्क में रह के कोई चीज़ वाइट हो जाती है क्या होता है? बोलो. डार्क में रह के जब कोई चीज वाइट हो जाती है, कोई प्लांट वाइटिश हो जाता है, तो उसको इट्यूलेशन कहते हैं बेटा. प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे. जैसे कि मान लो एक टोमेटो पोटैटो है, पोटैटो में से एक ऐसे बड निकल रही है, तुमने इसको डार्क में रख दिया तो ये बड बिल्कुल वाइटिश निकलेगी, बिल्कुल वाइटिश और लंबी लंबी सी हो जाएगी, तो इसको इट्यूलेशन कहते हैं. ठीक है? जब आप इसको धूप में रख दोगे तो इसमें पत्ते आ जाएंगे प्रॉपर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? प्लांट का ग्रोथ हार्मोन होता है जिब्रेलिक एसिड. प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? इट्यूलेशन रट्टा मारो. आयन, मैंने भी रट्टा मारा है. प्लांट किंगडम आजेश ताया. देखो आजेश, एक चैप्टर तो मैं तुम्हारा कराना चाह रही हूँ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स यूट्यूब पे नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट वो कवर हो जाए. और देखती हूँ बाकी, टेलीग्राम पे बात करते हैं कौन सा चैप्टर कराना है.
नेक्स्ट बेटा एबीए को बोलते हैं, अपने को पता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय, देखो अब ये कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि आपको लगता है कि स्टोर्ड फूड कौन मोबिलाइज करता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था पीछे जब मैं आपको थ्योरी करा रही थी, सीड जर्मिनेशन के समय स्टोर्ड फूड को, न्यूट्रिएंट को कौन मोबिलाइज करता है? आप वीडियो के नीचे कमेंट्स लिख दीजिए जो आपको चैप्टर लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि लास्ट के अब 3-4 दिन ही रह गए हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स हो सकते हैं आप ये कमेंट लिख दीजिए, जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे वो चैप्टर कराने की मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इसका आंसर जिब्रेलिन है बेटा, मैंने पढ़ाया था आपको, रट्टा मारो बेटा, इसका रट्टा मारो, अभी कोई तरीका नहीं है, ठीक है। गब्बर बैठा हुआ है इसके अंदर, गब्बर, और गब्बर एक पूरा यू नो फावड़ा लेके न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज कर रहा है इधर से इधर। नेक्स्ट द पाइनएप्पल अंडर विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉजम हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द एप्लीकेशन ऑफ, इजी क्वेश्चन बोलो आप तो, जय माता दी लेके बोल दो इसका आंसर जल्दी से। पाइनएप्पल के फ्लावर्स कैसे आते हैं, फ्रूट्स कैसे आते हैं, यहाँ नहीं बोलो कौन सा चैप्टर कराना चाहते हो, यहाँ मत बोलो, यहाँ नहीं मुझे पता चलेगा, कमेंट्स में बोलना नीचे, वीडियो के कमेंट्स में बोलना, ठीक है, यहाँ मत बोलो। बोलो बेटा, एक तो होता है ऑक्सिन, एक होता है इथाइलिन, जिससे पाइनएप्पल के फ्लावर्स आते हैं। तो फिनाइल एसिटिक एसिड नहीं है, साइटोकाइनिन नहीं है, IA IB नहीं है। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, NA2,4-D और IA IB ये भी हो सकता है। इसका क्या आंसर बनेगा, एक नेचुरल है एक सिंथेटिक है, लाओ चेक करते हैं, रुक जाओ। सिंथेटिक चेक करते हैं, रुक जाओ मैं चेक करके बताती हूँ, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक में से कौन सा होएगा। सिंथेटिक वाला बेटा, NA2,4-D, क्योंकि बाहर से आप डालोगे वैसे ऑब्वियस था ये, जो अगर सेल के प्लांट के अंदर से प्रोड्यूसर है IA IBA, अगर बाहर से डाल रहे हो तो आप सिंथेटिक वाले डालोगे ना, NA2,4-D वाले डालोगे, ठीक है। थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स व्हाट टू टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन प्लांट्स, टेम्परेचर और लाइट किस चीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं बोलो। बोलो बोलो बोलो, टेम्परेचर और लाइट से किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के थ्रू। देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के थ्रू आपको लगता है कि एब्सिसिक एसिड से क्लोजर ऑफ स्टोमेटा भी हो जाता है, लेकिन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा से बेटर आंसर फ्लावरिंग है, ठीक है, क्योंकि अपन लाइट से डायरेक्ट फोटो पीरियडिज्म वाली चीज़ पढ़ते हैं ना, तो लाइट से और टेम्परेचर से फ्लावरिंग का बहुत बड़ा रोल है। लो टेम्परेचर पर वर्नलाइजेशन अपन पढ़ते हैं, वर्नलाइजेशन हो जाता है लो टेम्परेचर पर फ्लावरिंग, और लाइट से फोटो पीरियडिज्म पढ़ते हैं, तो इसका बेटर आंसर समझ रहे हो फ्लावरिंग है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा लगता है कभी कभी कि ABA तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कर देता है, लेकिन उससे बेटर आंसर फ्लावरिंग है। आई होप आप समझ गए होंगे। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट्स एज एंटागनिस्ट टू जिब्रेलिन्स, बोलो जिब्रेलिन्स के एंटागनिस्टिक कौन है, कौन है वो, बोलो 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 कौन है वो, जिब्रेलिन्स के एंटागनिस्टिक कौन है वो। हाँ जी बेटा जी, एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड में दुश्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन,
वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन, वर्नलाइजेशन क्या है, कोल्ड टेम्परेचर से किसमें फ्लावरिंग हो जाती है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, वर्नलाइजेशन से किसमें हो जाती है ऐसा तो नहीं था, ये तो अपनी एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, हालांकि इसका आंसर सी है, कैरेट है, लेकिन ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, आउट ऑफ सिलेबस होगा फिर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा खत्म, ओके ओके फाइन 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 फाइन। तो आज मैं इतने ही क्वेश्चंस लेके आई थी, आज मैं इतने ही क्वेश्चंस लेके आई थी। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करके @ritubiology डालिए तो मेरा ग्रुप आपको मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका पीडीएफ मैं अभी डाल रही हूँ, एनोटेशन के समेत आपको पीडीएफ अभी मिल जाएगा। अभी तो मेरी क्लास है, प्लस की क्लास है 11 बजे, तो आपको मिल जाएगा आपका पीडीएफ 2 घंटे के अंदर पीडीएफ मिल जाएगा। 2021 का प्लस का बैच ज्वाइन करने के लिए, नीट की पूरी प्रिपरेशन मेरे साथ करने के लिए, बायोलॉजी की और फिजिक्स केमिस्ट्री और टीचर्स के साथ पढ़ने के लिए, आप ऋतु कोड यूज़ करके प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, वीडियो लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएं आगे की क्लासेस के लिए, या टेलीग्राम पे आ जाओ तो वहाँ पे भी तुम्हें नोटिफिकेशंस मिल जाती होती हैं, ठीक है। चलो, आई विल सी यू, थैंक यू सो मच। 1.5 घंटे में हमारा चैप्टर भी हो गया, क्वेश्चंस भी हो गए, हाँ एनोटेशन के साथ भेज दूंगी मैं पीडीएफ में, और फोटोसिंथेसिस वाली शायद एनोटेशन वाली पड़ी नहीं है मेरे पास, फिर भी अगर पड़ी होगी तो मैं भेज दूंगी, मैंने शायद एनोटेशन सेव नहीं करी थी फोटोसिंथेसिस वाली, फिर भी मैं चेक कर लूँगी। चलो, बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो एट 9 AM। कल की क्लास 9 बजे ही रखूँगी, मैं नहीं रखूँगी यार 7 बजे, 9 AM मेरा पूरा शेड्यूल सुबह का बैंड बज जाती है, 9 AM रखूँगी मैं, ठीक है। चलो, आई विल सी यू, बाय, थैंक यू। नजर जो तेरी लागी